सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ मामा साहब व्लॉग्स। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और नए व्लॉग में। तो आज जो हमारा व्लॉग है वो है वर्कआउट फॉर बिगनर्स पार्ट टू, जिसमें हम लोग आज करेंगे ट्राइसेप का वर्कआउट। तो जैसा हमने पार्ट वन में किया था चेस्ट के बाद हम कर रहे हैं ट्राइसेप। जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि चेस्ट जब हम लोग हिट करते हैं तो सेकेंडरी मसल जो हमें हिट होती है वो होती है ट्राइसेप्स। तो इसीलिए हम लोग अब कर रहे हैं ट्राइसेप्स। सबसे पहली चीज़, ट्राइसेप्स आप जब भी करो वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। पूरी फुल बॉडी वार्म अप बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ का वार्म अप ज़रूरी है, यहाँ तक कि आपके जो ट्राइसेप्स हैं उसका वार्म अप ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग ट्राइसेप्स हिट करने वाले हैं, हमें अपनी ट्राइसेप्स को प्रिपेयर करना है कि भाई हम वर्कआउट करने जा रहे हैं। लेट्स गेट प्रिपेयर्ड, लेट्स गेट वार्म्ड अप, लेट्स गेट फ्लेक्सिबल। जितना आप ज़्यादा करोगे उतना बेहतर है। बाकी ट्राइसेप जो आपकी होती है आर्म में, जो आपका हाथ है, इसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर करता है आपका ट्राइसेप्स। उसके बाद आपका आता है बाइसेप। सो प्राइमरी सेकेंडरी, तो इसका डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। और मैक्सिमम लोग ये मिस्टेक करते हैं कि भाई ट्राइसेप्स वो लोग जब हैवी मानने जाते हैं तो वो लोग एक स्ट्रेच और स्क्वीज और एक जो मसल ब्रेकडाउन होता है उस पर फोकस ही नहीं करते हैं। वो लोग बस हैवी वेट उठाया और चालू हो गए, जो चीज़ एकदम गलत है। अगर आप अपनी ट्राइसेप्स हिट करने जा रहे हो तो उसका मसल ब्रेकडाउन होना, चाहे वो आपका इनर हेड हो, आउटर हेड हो, मिडिल हेड हो, डजेंट मैटर, लेकिन उसका मसल ब्रेकडाउन होना, बहुत प्रॉपर तरीके से उसका स्ट्रेच होना बहुत ज़रूरी होता है। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विद अवर फर्स्ट वर्कआउट, जो कि हमारा होगा ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन। सो हमारी जो पहली एक्सरसाइज होगी वो होगी ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन। अब ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन करने के बहुत तरीके होते हैं। आप डंबल से कर सकते हैं, आप बेंच पे कर सकते हैं, आप चेयर पे कर सकते हैं, आप इस पे भी कर सकते हैं जो हमारा क्रॉसओवर वाला स्टेशन होता है। मैं क्रॉसओवर वाले स्टेशन पे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इस पे हमारा जो एक कॉन्ट्रैक्शन आता है वो ज़्यादा आता है, इंगेजमेंट मसल के साथ ज़्यादा होता है। तो करना कुछ नहीं है, जैसे हम लोग रोप होती है, हमें एक रोप लगा लेनी है, अपनी वेट हल्का रखना है क्योंकि हमें पूरी मसल को एकदम वार्म अप करना है सबसे पहले। तो पहला सेट आपका होगा एकदम हल्का, जिसमें आप लगाओगे एकदम हल्की वेट, यानी कि एक प्लेट या दो प्लेट जाओगे, दैट्स इट। पोजीशनिंग आपकी रहेगी एकदम ये स्ट्रेट, बैक आपकी स्ट्रेट रहेगी, राउंड नहीं होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट बैक रहे। हाथों का जो पोजीशनिंग होगी वो होगी आपके क्लोज टू द हेड, ये। अब इसमें कुछ लोग होते हैं जो ऐसे कर लेते हैं, भाई आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन क्या होता है इसमें कि समटाइम्स आपके जो एल्बो है यहाँ पे, तो यहाँ पे पेन होने लगता है इस वजह से, जो आपका ये वाला मूवमेंट है। तो इसीलिए हम ये वाला मूवमेंट अभी नहीं कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये है वर्कआउट बिगनर्स के लिए। तो प्रॉपर पोजिशन होना बहुत ज़रूरी है। पहला सेट है हल्के वेट से होगा, पूरा अच्छे से वार्म अप करना है, पूरा नीचे जाके पूरा ऊपर, पूरा नीचे जाके पूरा ऊपर, ये। अब इसमें एक चीज़ मैं ये बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि रैप रेंज क्या रहेगा, सबसे पहली चीज़ नेवर काउंट रैप्स। भाई 10, 12, 15, 20 ये वाला जो रैप रेंज होता है ये कभी मत काउंट करो। ऑलवेज गो फॉर फेलियर, जितना ज़्यादा फेलियर के लिए जाओगे उतना ज़्यादा आपका, मतलब यार आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। 10, 12, 15 ये बहुत टाइम से चला रहा है, ये बस से खाली वो होता है कि बस हमारा माइंड सेट करने के लिए कि हाँ भाई हमें 10 रेप निकालना है। मैं कह रहा हूँ माइंड ही मत सेट करो। आपने वार्म अप किया, ये पहला सेट वार्म अप था आपने किया, कि आपको लगा हाँ भाई मेरी मसल वार्म अप हो गई, पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हो गई। अब जब आप पहला सेट करोगे, आपका जो पहला सेट होगा 3 वर्किंग सेट्स होंगे, एक्चुअली में 4 होंगे, पहला आपका होगा वार्म अप, बाकी के 3 होंगे आपके वर्किंग सेट जिसमें आप प्रॉपर वर्कआउट करोगे, वो होंगे फेलियर। यानी कि पहला सेट में जब आप वेट लगा करोगे फेलियर, जब आपको लगे कि हाँ यार अब मुझसे नहीं होगा तब छोड़ो, दैट्स इट। अब हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज होगी वो होगी ट्राइसेप पुश डाउन विद बार। बार मतलब जो हमारा क्रॉसओवर स्टेशन है, इस पर जो हम लोग बार से करते हैं उससे होगी। बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत मज़ेदार एक्सरसाइज है, मतलब एक्चुअली आपका ट्राइसेप जो एक बर्न वाली फीलिंग आएगी ना आपको कि भाई जलन हो रही है, वो आती है इससे, और अल्टीमेट एक्सरसाइज है। सो ये मैंने लगा लिया है बार, वेट मैंने रखा है बहुत कम क्योंकि अभी हमको सिर्फ अपनी मसल को फ्लेक्सिबल करना है, दैट्स इट। जितनी ज़्यादा हमारी मसल फ्लेक्सिबल होगी, वार्म्ड अप होगी, उतना ज़्यादा हमें वर्कआउट मज़ा आएगा। जैसा कि मैंने बताया 4 सेट करने हैं, पहला सेट होगा आपका वार्म अप जो मैं अभी करने जा रहा हूँ, उसके बाद होंगे हमारे 3 वर्किंग सेट जिसमें आप धीरे धीरे वेट इंक्रीज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो पहले सेट में हमें क्या करना है, मैंने लगाया हुआ है बहुत हल्का वेट, ये है बार। जैसे हम लोग नॉर्मल
पुश डाउन करते हैं जो एक्चुअली होता है, दैट्स इट। ये इसमें एक चीज अगर आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आपका थंब होगा, हमारा थंब जो है बार के नीचे से आएगा, दैट्स इट, ताकि ये आपको एक ग्रिप बहुत अच्छी देगा, बार छूटने का डर नहीं होगा। बाकी आपका मूवमेंट इतना होगा, एकदम स्ट्रेट। आप चाहो तो पूरा ऊपर तक ला सकते हो, एक्चुअली लाना भी चाहिए। तो इस तरह से होगी हमारी ये ट्राइसेप पुश डाउन विद बार। अब रेपिटेशन, जैसा मैंने बताया, फेलियर होगा आपके तीनों सेट में। पहला सेट होगा वार्म अप, बाकी के तीन सेट में रेपिटेशंस फेलियर होंगे, तभी मजा आएगा। और वेट अपने अकॉर्डिंग आप रखिएगा, अल्टीमेट मजा आएगा। सो अब जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज होगी वो होगी बेंच प्रेस ट्राइसेप्स के लिए फॉर अवर मिडिल हेड। जो हमारा मिडिल हेड होता है उसके लिए होगी। कैसे होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो क्योंकि ये हमारा पहला सेट होगा, वार्म अप सेट होगा, इसीलिए मैंने एकदम फ्री वेट से कर रहा हूँ, कोई वेट नहीं डाला हुआ है, ताकि अच्छे तरह से मेरी मसल जो है वार्म अप हो जाए, फ्लेक्सिबल हो जाए और वर्कआउट के लिए तैयार हो जाए जो हम करने जा रहे हैं। ग्रिपिंग आपकी रहेगी भाई एकदम क्लोज, बहुत ज़्यादा वाइड नहीं, बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं, ये एकदम स्ट्रेट टू द शोल्डर। और जो आपका हाथ रहेगा वो ऐसे नहीं जाएगा, वो एकदम आएगा क्लोज टू द चेस्ट। ये रहेगी आपकी पोजीशनिंग। अब इसमें अगर आपको बहुत अच्छा इफेक्ट चाहिए तो इसको जो है सिर्फ हाफ लाके और फिर ऊपर, पूरा नीचे नहीं लाना है हमें, सिर्फ यहाँ से इतना ही लाना है, दैट्स इट, पूरा नीचे नहीं, सिर्फ यहाँ तक बस। आपको ज़्यादा इफेक्ट आएगा अपने ट्राइसेप्स पे, फील होगा। और जो आपकी रॉड है वो आएगी आपके लोअर चेस्ट के एकदम ऊपर, ज़्यादा नीचे नहीं, ज़्यादा ऊपर नहीं, लोअर चेस्ट के नीचे, ये परफेक्ट पोजिशनिंग। सो जैसा मैंने बताया कि भाई इसमें भी आपके चार सेट होंगे, पहला वार्म अप, तीन वर्किंग सेट, रेपिटिशंस फेलियर होंगे, कोई रेपिटिशन काउंट नहीं होगा, 10, 12, 15 कुछ नहीं, जितना मैक्स आप जा सको उतना मैक्स जाना, मज़ा आएगा आपको इसमें करने में। सो अब हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज होगी वो होगी डायमंड पुशअप्स। डायमंड पुशअप्स, अब डायमंड पुशअप्स मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि डायमंड पुशअप्स ऐसे पुशअप्स हैं जिसमें हमारा तीनों हेड कवर होता है, चाहे वो हमारा लॉन्ग हेड हो, चाहे वो हमारा शॉर्ट हेड हो, चाहे वो हमारा मिडिल हेड हो, तीनों हेड उसमें आपके बहुत प्रॉपरली कवर हो जाते हैं। सो इट्स लाइक अ फिनिशर, जिसको हम लोग कहते हैं ना फिनिशर एक्सरसाइज एक होती है, ये आपकी फिनिशर एक्सरसाइज है, बेस्ट एक्सरसाइज है, मज़ा आएगा। सो एक्सरसाइज बहुत इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, हमारी जो बस हाथ की पोजीशनिंग होगी वो डायमंड फॉर्म में होगी, नॉर्मल पुशअप में नहीं, डायमंड फॉर्म में होगी। जैसे ये डायमंड होता है, ये डायमंड शेप है, आप सब लोग जानते होंगे, तो ये होगी हमारी डायमंड पुशअप्स की फॉर्म हाथ की। अब हम लोग जो नॉर्मल पुशअप्स करते हैं उसमें हम लोग का जो हाथ जाता है वो जाता है ये हमारे चेस्ट से अलग और हमारे शोल्डर के इक्वल टूवर्ड्स द फ्लोर, लेकिन इसमें जो हमारा हाथ जाएगा वो जाएगा क्लोज टू द चेस्ट, ये हमारा रहेगा मूवमेंट, उसमें जाता है ये और वो भी रहता है वाइड, इसमें रहेगा हम लोग का क्लोज और हाथ जाएंगे एकदम क्लोज टू द चेस्ट। सो गाइज, ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि आप अपने ट्राइसेप किस तरह से पूरी तरह से कवर कर सकते हो, फिर चाहे वो आपका शॉर्ट हेड हो, मिडिल हेड हो, लॉन्ग हेड हो, तीनों हेड बेहतरीन तरीके से कवर हो जाएंगे एज अ बिगनर। ये बेस्ट वर्कआउट्स हैं आपके ट्राइसेप्स के लिए, क्योंकि हमने इसमें सारा आपका जो है कवर कर डाला है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द ब्लॉग, आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग हमारा जो होगा वो हमारा होगा बैक पे, कि भाई वर्कआउट फॉर बैक बिगनर्स के लिए कैसे हो सकता है, उसमें हम क्या क्या एक्सरसाइजेज ऐड कर सकते हैं, जो बहुत बेसिक एक्सरसाइजेज होती हैं बट बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जिनकी वजह से पोजीशनिंग गड़बड़ हो जाती है, एंगल गड़बड़ हो जाते हैं, तो उसकी वजह से मसल इम्बैलेंस भी हो सकता है। मसल इम्बैलेंस के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आगे चल के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्लॉग, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप ईटिंग हेल्दी फूड, क्योंकि आपको लाना है फिटनेस इन योर लाइफस्टाइल।